मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में तेज़ बारिश का दौर शुरू हो गया है। शुक्रवार को राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो तेज़ बारिश का यह सिलसिला शनिवार और रविवार को भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने खास तौर से मध्य प्रदेश के भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में भारी बारिश की संभावनाएं जताई हैं। इसके अलावा सागर, रीवा, जबलपुर, शहडोल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में हल्की बारिश के साथ तेज बौछारें गिर सकती हैं। भोपाल विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से तेज़ बारिश हो रही है। तेज़ बारिश की संभावना को देखते हुए गृह विभाग ने पुलिस थानों को अलर्ट कर दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक वो इलाके जो बाढ़ संभावित हैं वहां के थानों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। साथ ही आपदा प्रबंधक की टीमों को भी एक्टिव कर दिया गया है। लोगों को पिकनिक स्पॉट पर ऐसी जगहों पर जाने के लिए मना किया गया है जहां पर पानी का बहाव ज़्यादा होने की संभावना हो। भारी बारिश के साथ ही प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में नदी नाले उफान पर आ गए हैं। मध्य प्रदेश में बैतूल और छिंदवाड़ा के हालात भी खराब हैं। यहाँ तेज़ बारिश के चलते तवा डैम तेज़ी से भर रहा है। पिछले 24 घंटे में छिंदवाड़ा में बारिश में 3 लोग बह गए, इनमें से एक की मौत हो गई, जबकि पन्ना में बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। पन्ना में ही 2 महिलाओं की भी मौत हो गई। 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज चल रहा है। इसी तरह बुरहानपुर में बारिश ना होते हुए भी ताप्ती खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है।